झारखंड विधानसभा का बजट सेशन खत्म हो चुका है। ऐसे में इस बार के बजट सेशन के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। 25 फरवरी से 25 मार्च 2022 तक चले विधानसभा बजट सेशन में कुल 17 दिन कार्य का संचालन किया गया। 17 कार्य दिवसों में 80 घंटे की कार्यवाही का संचालन हुआ। इसमें 68 घंटे तक सदन में कार्यवाही चली है। इस सेशन में कुल 1070 प्रश्न स्वीकृत हुए थे। इस बजट सेशन में सदन में कुल 114 निवेदन प्राप्त हुए और 373 शून्यकाल की सूचनाएं स्वीकृत की गई थीं। वहीं स्पीकर रविन्द्र चरण महतो ने बताया कि एक लंबे अंतराल के बाद सदन के 120% समय का सदुपयोग किया गया। माननीय सदस्यगण, दिनांक 25 फरवरी 2022 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 25 मार्च 2022 यानी एक महीना तक कुल 17 कार्य दिवसों के बाद आज पंचम झारखंड विधानसभा का अष्टम बजट सत्र अपनी समाप्ति पर पहुंच चुका है। यह बजट सत्र कई मायनों में अद्वितीय था। एक लंबे अंतराल के बाद हम सब ने मिलकर सदन के समय का जो सदुपयोग किया वो अभूतपूर्व है। इस सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जो औपबंधिक कार्यक्रम भेजा गया था उसमें कुल 17 कार्य दिवस में मात्र 68 घंटे की कार्यवाही निर्धारित थी, परंतु आप सबके सहयोग और जन आकांक्षाओं के प्रति आपके समर्पण के कारण हमने इस पूरे सत्र के दौरान लगभग 80 घंटे का उपयोग किया, जो कि निर्धारित अवधि का लगभग 120% है। इस सत्र में कुल 1070 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिसमें स्वीकृत अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या 236 एवं तारांकित प्रश्नों की संख्या 759 है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियान को लेकर भी सारी दुविधाएं दूर करने की कोशिश की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता का अहित नहीं कर सकते। सोरेन ने कहा कि विरोधी इस मुद्दे पर आपत्तिजनक कार्टून बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं। मुझे उठा के फेंका जा रहा है मेरा कार्टून बना बना करके। अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो राज्य में हक अधिकार के लिए लड़ने कटने मरने को तैयार है अध्यक्ष महोदय, और आज ये अवसर हम जाने देंगे? क्या हम 32 के लोगों को छोड़ दें, कि 2005 के लोगों को छोड़ दें, कि 93 के लोगों को छोड़ दें, कि 11 के लोगों को छोड़ दें, कि 64 के लोगों को छोड़ दें? इतना आसान नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसके लिए समग्र चिंतन की आवश्यकता है। बजट सेशन में सदन में कार्यवाही संतोषजनक रही है। वहीं खतियान को लेकर उठे विवाद पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सबको साथ लेकर चलने का संकेत दिया है। ऐसे में लगता है कि आने वाले वक्त में खतियान विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाल लिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।